प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ की जिला स्तरीय बैठक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय हमीरपुर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मनोज पाल परिहार ने की। बैठक में विज्ञान अध्यापक संघ के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि ब्लॉक स्तर की चुनाव प्रक्रिया 20 दिसंबर के बाद शुरू की जाएगी। ब्लॉक स्तरीय चुनाव प्रक्रिया सभी उपमंडल स्तर पर 28 फरवरी तक पूरी करने का निर्णय लिया गया है। जिला विज्ञान अध्यापक संघ के चुनाव 18 फरवरी से 31 मार्च के बीच होंगे। सभी ब्लॉक के प्रधानों व पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वह ब्लॉक स्तर पर सदस्यता की प्रक्रिया 20 दिसंबर से पहले पूरी कर लें। विज्ञान अध्यापकों ने सरकार से मांग की है कि एनपीएस को तुरंत बंद कर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। शिक्षकों को जो प्रोविजनल पीरियड 2 की अवधि को खत्म कर दिया जाए। प्रैक्टिकल अलाउंस को 150 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाए। पांचवीं व आठवीं कक्षा की सीसीई प्रणाली बंद कर परीक्षा प्रणाली लागू की जाए। बैठक में जिला प्रधान मुकेश शर्मा, केवल सिंह, प्रवीण सिंह, दीपेश शर्मा, सोनी, सुशील चौहान आदि मौजूद रहे। मीटिंग का सबसे पहले मुद्दा है कि हमारे जो त्रिवर्षीय चुनाव होने हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि हमारे सबसे पहले ब्लॉक के इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो ब्लॉक के इलेक्शनों में जो भी काम हो वो बिल्कुल सुचारू ढंग से चले और बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो, ताकि कोई भी उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी ना कर सके कि हमारे इलेक्शन में कोई किसी तरह की कोई परेशानी हो। हमारे जो पिछले तीन साल का वर्ष कार्यकाल जो बीता वो बहुत अच्छा रहा। अभी हम ये डिसाइड करेंगे कि ब्लॉकों के इलेक्शन जो हैं वो किस किस तारीख को होंगे। उसके बाद क्योंकि हमारे को ये 31 मार्च तक समय मिला है कि हमने डिस्ट्रिक्ट की कार्यकारिणी का गठन करना है, तो सबसे पहले हम ब्लॉक की कार्यकारिणियों का गठन करेंगे। वहां से जो प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और सचिव चुन करके आएंगे, फिर उनके माध्यम से अगर सर्वसम्मति बनती है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं सर्वसम्मति बनेगी तो इसके लिए इलेक्शन जो है वो किया जाएगा 31 मार्च से पहले पहले। बैठक में विरोध तो होता ही रहता है, क्योंकि हर कोई किसी की मनसा को पूरा नहीं कर सकता। हर किसी की भावनाएं अपने अपने अलग अलग कैंडिडेट से अपने अपने तरीके से जुड़ी होती हैं। हर किसी को कोई भी खुश नहीं कर सकता, परंतु मैंने जो भी काम किया वो बहुत अच्छा किया और उसके लिए मैं अपने आप से बहुत खुश हूं कि मैंने जो काम किया वो मैंने बिल्कुल तन मन धन से भगवान को साक्षी मान करके काम किया है।